हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्रिएटिविटी एंड गार्डन चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी गर्ल्स कैप लेकर आई हूँ और ये बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसको लेडीज़, गर्ल्स या फिर जेंट्स कैप के तौर पे बना सकते हैं। अगर आपने जेंट्स कैप बनानी हो तो ये फ्लावर नहीं लगेगा। हम इसके लिए 9 नंबर की सिलाई ली है और 3 प्लाई की वूल ली है। और देखिए ये कैसे बनती है और हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 90 फंदे डाले हैं और ये इस कलर में फंदे डाले हैं। हमने इस कलर की कैप बनानी है और ये फंदे इसलिए इस कलर में डाले हैं, ये हम बाद में इनको खोल देंगे। और 90 फंदे डालकर हमने ये 2 इंच का ये उल्टा सीधा बॉर्डर बनाया है और ये 3 इंच बनाया है। मैं आपको मिनती कर कर दिखाती हूँ। ये हम उल्टी सीधी सिलाई डाली है और ये एक उल्टा और एक सीधा डाला है, जैसे हम सिंपल बॉर्डर बनाते हैं। ये देखिए, ये जो सीधा है ये इधर से उल्टा आएगा और ये उल्टा है इधर से सीधा आएगा। और मैं इसको दिखाती हूँ कि मैंने कितना बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, हमने ये 2 इंच बॉर्डर नीचे वाला बनाया है और ये 3 इंच ये वाला बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा है और टोटल 5 इंच के लगभग बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये बॉर्डर बनाने के बाद हम ये जो नीचे वाले फंदे हैं ये खोल देते हैं और इसको दूसरी सिलाई में डाल लेते हैं। तो लीजिए, हम इन फंदों को खोलकर दूसरी सिलाई में डालते हैं जहाँ हमने गांठ नहीं लगाई थी और इसमें भी गांठ नहीं लगाई थी और ये आसानी से फंदे खुल जाएंगे। ये देखिए, अब साथ साथ इस फंदों को दूसरी सिलाई में डालते जाएंगे ताकि ये निकले ना। हम इसको दूसरी सिलाई में डाल लेंगे। अब बाकी रहते फंदे भी हम खोल लेंगे साथ साथ। जहाँ काटने की ज़रूरत है इसे हम काट देंगे, ये फंदे आसानी से खुल जाएंगे।
ऐसे ही हम सारे फंदे, देखिए हमने सारे फंदे खोल लिए हैं और इस सिलाई में डाल लिए हैं। और अब हम ऐसे ऐसे करेंगे, इसको सीधा ऐसे जोड़ेंगे और दो का एक बनाते जाएंगे। ये हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इस सिलाई में लेंगे और दो का एक बुनते जाएंगे ऐसे, फिर एक का ऐसे दो का एक करते हुए बुनते जाएंगे। ऐसे हम सभी सिलाइयाँ बुन लेंगे। एक फंदा इधर से लेना है और एक इधर का लेना है ऐसे। इसे ध्यान से करना है, कोई फंदा गिर ना जाए। ऐसे ही हम सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने दो सिलाइयों के फंदे, 90 फंदे एक सिलाई में थे और 90 दूसरी सिलाई में, हम एक सिलाई में डालकर 90 फंदों। अब हम सारी सिलाई ऐसे ही सीधी डालेंगे और यहाँ उल्टी आएगी ऐसे, और हमने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और हम इधर डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन डालने के लिए हम ऐसे
ये देखिए हमने कैप के डिज़ाइन की पहली रो कंप्लीट कर ली है और अब आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो हम सारी उल्टी उल्टी सिलाई बुनेंगे। अब हमारी थर्ड रो में फिर ऐसे जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी ऐसे ही हम सारी सिलाई बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जितनी कैप बुननी थी उतनी इसकी लंबाई पूरी हो गई है। अब मैं इसकी मिनती करके दिखाती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। एंची टेप से बताती हूँ तो ऊपर से लेकर ऐसे इस कैप की लंबाई 8 इंच हो गई है। अब हम इसके फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए इसके फंदे कैसे घटाने हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पहला फंदा है वो ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए हमने पहला फंदा ऐसे ही स्किप किया है और नेक्स्ट फंदा भी बुन लिया है। ऐसे हम बुनते हुए 6 फंदे डिज़ाइन डालते हुए बुन लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे फंदे घटाने शुरू करेंगे। पहले 2 का 3 फंदे टोटल घटाएंगे और पहले 2 का 1 करेंगे उसके बाद जो 2 का 1 किया है नेक्स्ट फंदे फंदा बुनकर उससे घटा देंगे। यहाँ बीच से लेते हुए फंदा सीधा करते हुए ऐसे घटा देंगे। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट जो है 10 फंदे ऐसे डिज़ाइन डालते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा है जो ऐसे बुनाई करना है फिर ऐसे उतारना है एक फंदा फिर एक फंदा बुनाई करना है फिर एक फंदा ऐसे उतारना है फिर बुनाई करना है। ऐसे ही हम 10 फंदे जो है बुन लेंगे और कैप का डिज़ाइन चलता रहेगा। ऐसे ही हम देखिए सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमने सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई ऐसे ही हम पूरी कर लेंगे। इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे। हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं सीधी सिलाई में। सीधी सिलाई भी ऐसे एक पहले वैसे ही उतारेंगे फंदा स्किप करेंगे और फिर एक फंदा ऐसे उतारेंगे बनाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे। एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे और फिर 2 का
एक बनाएंगे और हमारा डिज़ाइन भी चलता रहेगा। ऐसे ही हम एक पैच से उतारेंगे और एक बुन लेंगे, तो हम ये जो सीधी सिलाई है वो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा उतारेंगे, दो का एक करेंगे, हमने ऐसे ही बुनते हुए डिज़ाइन डालते हुए सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में हम पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और फिर हम ये जो उल्टी साइड है ये हमने उल्टी साइड ऐसे ही पूरी उल्टी बनानी है, इसमें कोई फंदा नहीं घटाना है। तो हमने ये उल्टी रो पूरी करके अब आते हैं सीधी रो में। सीधे पास से पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, ऐसे एक फंदा ऐसे उतारेंगे ताकि डिज़ाइन बनता रहे, फिर दो का एक करेंगे, एक फंदा ऐसे डालकर दो का एक करेंगे, तो हमारा डिज़ाइन भी बनता चलेगा और फंदे भी घटते जाएंगे। तो हम ऐसे ही सिलाई डालते हुए फंदे घटाते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा ऐसे ही बनना है और फिर दो का एक करना है और डिज़ाइन का भी ख्याल रखना है। एक फंदा ऐसे डालना है और फिर दो का एक करना है। एक फंदा ऐसे ही डालना है और दो का एक करना है। तो हम ऐसे ही ये सिलाई सीधी साइड की कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं उल्टी साइड में। उल्टी साइड में पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और सभी सिलाइयों का दो का एक करते जाएंगे। ऐसे ही हम सब फंदे दो का एक करते हुए घटाने हैं। दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, ऐसे ही हमने दो का एक करते हुए फंदे अब घटा लिए हैं। और इस रो में हम पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और दो का एक करके सारे फंदों का दो का एक करते हुए घटा लेंगे। तो देखिए हमारे कैप के फंदे घट गए हैं और अब हमारे पास कम फंदे बचेंगे। तो मैं इसकी गिनती करके बताऊंगी कि हमारे पास कितने फंदे बचे हैं।
अब ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और देखिए हमारी कैप बन चुकी है। अब हमारे पास ये 10 फंदे बचे थे और हमने ये ऐसे सुई में डालकर बंद कर दिए हैं और कैप को सिलना शुरू कर दिया है। ऐसे ही हम कैप सिलते चले जाएंगे और यहाँ तक सिल लेंगे। हमने यहाँ तक कैप सिल ली है और हम ऐसे ये नीचे वाले पार्ट पकड़ेंगे और यहाँ से सिलते हुए ऐसे यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए नीचे से इसको दोनों सिरों को पकड़कर सिल लेंगे। ऐसे घुमाकर सिल लेना है। ऐसे हमने नीचे वाला पार्ट सिल लिया है और कैप को ऐसे घुमाएंगे और इधर वाली साइड भी सिल लेंगे। ऐसे देखिए हमने सारी कैप सिल ली है और ये बिल्कुल रेडीमेड कैप जैसी लुक देती है। ऐसे हम धागा काट देंगे। तो देखिए यहाँ से ये कैप बिल्कुल रेडीमेड जैसी लुक देती है। अब हम इसके ऊपर फ्लावर लगाएंगे। तो देखिए अब हमारी कैप बिल्कुल तैयार हो गई है। आप भी बनाइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।